रामटेक तहसील के बोरी घोटी टोक स्थित इंदिरा गांधी बालक छात्रावास में रह रहे चार छात्र पेज परियोजना की कांद्री शाखा नहर में सोमवार दोपहर डूब गए थे। अंधेरा होने के कारण सोमवार शाम को तलाशी अभियान रोक दिया गया था। मंगलवार सुबह से खोज अभियान फिर से शुरू किया गया। एक शव घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर लोहारा में, दो शव 4 किलोमीटर दूर सालेमेडा और एक शव 5 किलोमीटर दूर शिवानी भोन के क्षेत्र में नहर में मिला है। रामटेक उप जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। मृतकों के नाम मनदीप अविनाश पाटिल, आनंद सांबारे, मयंक मेश्राम और मयूर बांगरे हैं, जो सभी नागपुर के निवासी थे। ये छात्र इंदिरा गांधी बालक छात्रावास बोरी घोटी टोक में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। घटना के समय ये अपने चार अन्य साथियों के साथ नहर में नहाने गए थे, लेकिन तेज बहाव के कारण चारों छात्र पानी में बह गए और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद छात्रावास के अधीक्षक धनराज महातुले, कर्मचारी प्रशांत पाटिल और चौकीदार कैलाश वाडवे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने इस छात्रावास को मान्यता दी थी, लेकिन इस हादसे के बाद विभाग की लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने घटनास्थल और छात्रावास का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में सुविधाओं की कमी और अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद विभाग ने छात्रावास की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्त को भेज दिया है। माना जा रहा है कि मान्यता जल्द ही रद्द कर दी जाएगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग ने पहले कभी इस छात्रावास की जाँच क्यों नहीं की? क्या छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की कमी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया? पुलिस इस मामले की आगे की जाँच कर रही है। मुलांचे नाव आहे एक मनदीप अविनाश पाटील, 11 वर्ग 11। दुसरा आहे मयूर कुशाल बांगळे, 9 वर्ग। तिसरा आहे मयंक कुणाल मिश्रा, 8 वर्ग। आणि एक आहे अनंत योगेश सांबारे, 7 वर्ग। किती वर्ष आता अंदाजे वर्ष असेल सर 15-17 पासनं। एक मनदीप पाटील असेल 17 वर्षाच्या, आणि मयूर बांगळे आहे तो असेल सर 15 वर्षाचा। ब्युरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।